सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेपी एकेडमी को और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल जेपी एकेडमी में। दोस्तों, करंट अफेयर का एक पार्ट लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो देख दोस्तों, टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिल सके और बेल आइकन पर क्लिक भी करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हाल ही में हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। तो भारत का के विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? हर्षवर्धन सिंह का। तो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि कौन से नंबर के विदेश सचिव नियुक्त किए गए। तो दोस्तों, हर्षवर्धन सिंह को हाल ही में विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। कौन से नंबर का दोस्तों? तो 33वें नंबर के विदेश सचिव बनाए गए हैं दोस्तों, हर्षवर्धन श्रृंगला। इसके बाद दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, कौन 2019 में गूगल पर भारत के सबसे अधिक खोजे जाने वाले बिजनेस आइकॉन के रूप में उभरा? तो आपको ये बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जो 2019 में सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किया गया। दोस्तों, यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर आंसर लिख भेजें। और दोस्तों, इसका आंसर जो सही आंसर है वो है आपका रतन टाटा। इसके बाद दोस्तों, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आप देखें, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या दोस्तों आपको मालूम है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, विनोद कुमार यादव को हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। इसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पेटीएम भुगतान बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? यानी पेटीएम के अधिकारी कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है दोस्तों। पेटीएम जो आप करते हैं, पेटीएम भुगतान बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो वो है दोस्तों आपके सतीश कुमार गुप्ता को पेटीएम भुगतान बैंक के मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पांचवें नंबर का क्वेश्चन जो आप खुद पढ़ेंगे, पांचवा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की चौथी डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की चौथी डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर बताना है आपको किसको नियुक्त किया गया है, वो है माइकल पात्रा। किसको नियुक्त किया गया है रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर? किसको नियुक्त किया गया है? माइकल पात्रा को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथे नंबर का दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पोस्ट भुगतान बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो भारत जो पोस्ट भुगतान बैंक है उसका कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सुरेश सेठी को। किसको बनाया गया है दोस्तों? सुरेश सेठी को। सातवां अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र के सीईओ कौन है? भिलाई इस्पात संयंत्र के सीईओ कौन है दोस्तों, ये बताना है हमको। तो सीईओ है एम रवि को भिलाई इस्पात का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों, आठवें नंबर का आपका प्रश्न है। आठवें प्रश्न में बोल रहा है, भारत में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
ये संस्था ही अभी बनाई गई है दोस्तों। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नामित किया गया है, तो वो है बिपिन रावत। और बिपिन रावत पूर्व क्या है, थल सेना अध्यक्ष हैं, और वर्तमान में आपके थल सेना अध्यक्ष कौन है, मुकुंद। दोस्तों जैसा आप जानते हैं बिपिन रावत पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं, और वर्तमान में जो आपके थल सेना अध्यक्ष हैं वो हैं मनोज मुकुंद के नाम से हैं, आप एक बार देख लेना। इसके बाद दोस्तों अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बताना था दोस्तों। भारत के महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, मुख्यमंत्री तो आपको पता है उद्धव ठाकरे बने हैं, उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो वो है हेमंत सोरेन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देखें, 10वें नंबर पे लिखा हुआ है गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी गृह मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो दोस्तों उनका नाम है के विजय कुमार। क्या नाम है दोस्तों, के विजय कुमार। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार की यदि मैं वीडियो और डालूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।